नमस्कार और स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शॉन और आज मैं आपको YouTube का चैनल कैसे स्टार्ट किया जाता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई अभी YouTube स्टार्ट किया है, कितने पैसे मिलते हैं, कब तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट होगी, क्या करोगे इसके बाद, कब तुम और वीडियोस बनाओगे, क्या करना है, ये सभी क्वेश्चनों को मैं आज इस वीडियो में आंसर करूंगा। दोस्तों ये ध्यान में रखें कि ये जो अर्निंग होती है ये आपको 1,000 सब्सक्राइबर्स के बाद और 4,000 वॉच टाइम के बाद स्टार्ट होती है। आपको गूगल एडसेंस का ऑप्शन ऑटोमेटिकली आएगा जो आपको नोटिफिकेशन देगा और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी अर्निंग्स की। लेकिन इससे भी आपको रुकना नहीं है, वहाँ पे नए नए वीडियोस को डालते जाएं, कुछ नए टॉपिक बनाते जाएं, कुछ भी चाहे आप बना सको उस वीडियोस पे आप ध्यान रखें और उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें ताकि वो आपका चैनल और ग्रो कर सके। तो ये रही ये सिंपल सी बात जो अर्निंग को लेके रखती है, जो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था। सबसे पहली बात है कि ये ध्यान में रखना है ये गेट क्विक रिच वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आपको सब्र रखना है, यहाँ पे आपको जल्दी ही पैसों की बरसात नहीं होगी, यहाँ पे आपको सब्र रखना है। ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या इसके नियम हैं, इसको पालन करना है, उस हिसाब से वीडियो को बनाना है। तो आज फर्स्ट थिंग आपको ये करना है, पहली बात ये करनी है कि आपके पास एक जीमेल अकाउंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्रिएट करें, एक अलग ही नाम चूज़ करें, अलग ही नाम चूज़ करें जिससे आपको आगे जाके आपको उससे फ़ायदा हो, ताकि लोग उसे पहचाने। ठीक है, ये मन में रख के आपको चलना है, उस हिसाब से आईडी क्रिएट करें या अपने नाम से भी आप क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपने अपने आईडी और पासवर्ड को किसी के साथ शेयर किया है, ये कभी ना करें। ध्यान रखें आईडी और पासवर्ड को कभी किसी से शेयर ना करें, आप ये आप ही का नुकसान होगा। तीसरी बात यह है कि आप जितना चाहें उतना वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो जैसे आप कोई वीडियो शूट करते हैं, आपके पास मोबाइल हो या कैमरा हो, कोई भी छोटा कैमरा हो या कोई भी बड़ा कैमरा हो, कोई भी कैमरे को इस्तेमाल करके आप वीडियो को बना सकते हैं और कोई प्रॉब्लम के बगैर आप यूट्यूब का भी एडिटिंग टूल यूज़ कर सकते हैं या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर उसे परचेस करके भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, वीडियो को एडिट कर सकते हैं। गानों को आप बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब के म्यूज़िक के द्वारा से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या तो आप नो कॉपीराइट म्यूज़िक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं जो अवेलेबल है यूट्यूब पे या उनके वेबसाइट्स पे, और उनके लिंक्स को आपको अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे शेयर करना है, बताना है कि भाई ये नो कॉपीराइट वीडियोस आप यूज़ कर रहे हैं और इनको क्रेडिट ज़रूर देना है, क्योंकि ये उनकी मेहनत है, उनके टैलेंट की मेहनत है, उसे आप अपने वीडियोस पे यूज़ कर सकते हैं बिना कोई हिचकिचाहट से। लेकिन ध्यान रखें ये उन्हीं वीडियोस उन्हीं म्यूजिक्स को आप चूज़ करें जो है नो कॉपीराइट, अदरवाइज़ क्या होगा आपका चैनल पे स्ट्राइक आएगा, म्यूजिक्स का स्ट्राइक आएगा या कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। तो ये थोड़ा प्रोसीजर अलग हो जाता है, आपको फिर बताना है कि भाई इनका म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं, तो उनको कांटेक्ट करके फिर जाके आप, वो अलग-अलग तरीका होता है जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखें कि छोटी सी छोटी बात कुछ भी हो, चाहे आप किधर ट्रैवल कर रहे हो, जिधर भी आप कुछ खाना बना रहे हो, दोस्तों के साथ वीडियो बनाते हो, कुछ शॉर्ट फिल्म बनाते हो, कुछ भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे आपको नॉलेज बढ़ेगी, आप आगे भी नया नॉलेज शेयर कर सकेंगे कि लोगों को कुछ नया चीज़ दिखा सकेंगे। इससे क्या होगा आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा, जैसे चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा आपको व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपको लाइक्स बढ़ेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आपके वीडियो चैनल पे लोग कमेंट करने लगेंगे कि भाई ये बंदा अच्छा वीडियोस बनाता है। इससे क्या होगा आपका चैनल और ज़्यादा बढ़ेगा।
जैसे चैनल ज़्यादा बढ़ता है वैसे आपको सब्सक्राइबर ज़्यादा मिलेंगे। तो इन छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखें और अपने नए वीडियोस पे इम्प्लीमेंट करें, इसको इस्तेमाल करें और आगे जाके आपको अच्छे वीडियोस मिलेंगे। शुरू में जाहिर सी बात है आप अच्छे वीडियोस ना बना पाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप कुछ जान लेते हो उस प्रकार आप अच्छे वीडियोस बनाने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, वहाँ पे मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो ज़रूर मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊँगा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू हैव अ लवली डे। टेक केयर। बाय बाय।